संसद परिसर में सत्ता पक्ष के मूवमेंट को लेकर के कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने हमला बोला है, क्या कुछ कहा है चलिए सुनवाते हैं। जुड़ गए हैं प्रमोद तिवारी जी। आज गांधी प्रतिमा के पास सत्ता पक्ष के सांसद नारे लगा रहे थे क्विट इंडिया मूवमेंट को लेकर, इंडिया गठजोड़ पर बड़ा हमला बोलते नजर आए हैं। वो यहाँ तो नहीं आ सकते, आना भी नहीं चाहिए। जब अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया था अरुणा सप्ले के नेतृत्व में ग्वालियर टैंक पे, तो उस समय तो ये अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, मुखबिरी कर रहे थे, पत्र लिख कर कह रहे थे कि आओ और शामिल हो जाओ अंग्रेजों की फौज में। हम कह रहे थे अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये कह रहे थे फौज में भर्ती हो जाओ। तो ऐसे लोगों को ये अधिकार नहीं है गोडसे के विचार। लेकिन वंशवाद वंशवाद और अलग अलग इशू को लेकर उन्होंने हमला बोला है और कई परिवारवाद के आरोप लगाए हैं। तिवारी जी, ये सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम देख रहे हैं राहुल गांधी भी भाषण देख लें, कितने भ्रष्टाचारी उनके साथ मंच पर थे, पीछे मुड़ के देख लें कुटुंबवादी कितने उनके साथ थे, तो उन्हें कहने का अधिकार। धन्यवाद बात करने के लिए। और प्रमोद तिवारी ये बयान दे रहे थे क्योंकि जिस तरीके से सत्ता पक्ष के सांसदों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया है उस पर जवाबी वार करते हुए प्रमोद तिवारी ने भी हमला बोला है। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।